डॉट एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू मेरा आईफोन 14 डिलीवर हो गया है। एप्पल इंडिया की साइट से ऑर्डर किया था और हमने एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू जल्दी भेजा। रिसाइकल्ड मटेरियल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो अपनी पैकेजिंग में, तो एप्पल इंडिया की साइट से ऑर्डर करेंगे तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग आती है। इधर आप देख सकते हैं ये सब पर्पल कलर से हैं, इसका मतलब है जो भी जिससे भी लिखा रहता है उस कलर का फ़ोन है। तो ये डीप पर्पल कलर में आईफोन 14 प्रो मैक्स 128 GB, इसको अपन साइड रख देते हैं। अब कैमरा में नज़र आई तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और स्टार्टअप। तो ये ऐसा बॉक्स रहता है, इजी रहता है अनबॉक्स करना, कुछ नहीं, ये ऐसे बने रहते हैं। वैसे इसको आपको खींचना रहता है बस, कोई नाइफ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और ऐसा ओपन करो तो सबसे पहले आपका सामने फ़ोन रहता है, ये इधर कैमरा कटआउट के लिए रहता है, और फ़ोन को ऐसा उल्टा रखा रहता है तो ये उठाओ, ये सामने कवर रहता है। अभी इसको साइड में रखते हैं। चार्जर एप्पल ने बंद कर दिया था आईफोन 11 के बाद से। तो ये केबल रहती है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, और फिर ये अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहती हैं, इसमें सिम इजेक्टर टूल रहता है, एप्पल का लोगो, ये भी पहले दो आते थे अभी एक कर दिया कुछ साल से। और ये बहुत ही मिनिमल टाइप का बॉक्स रहता है एप्पल का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा। तो ये है इंडियन यूनिट है ये, फ़ोन का हटाते हैं। ये है अपना, इधर आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है इधर पे, तो इधर डायनेमिक आइलैंड है और एक कैमरा कटआउट है, बीच में थोड़ा सा गैप है, ये बंद में समझ में आ रहा है, ये इधर पे पिक्सल्स हैं, इधर टच हो जाता है इसी कारण। तो अभी अपन बूट अप करते हैं फ़ोन को। एप्पल का लोगो, द माइटी एप्पल लोगो इज हियर। देख सकते हैं ओला, ये अलग अलग लैंग्वेज में लिख के आता है जब आप बूट अप करेंगे। सियाओ, ये शायद जर्मन है, पता नहीं यूरोपियन कौन सी लैंग्वेज है, और इंग्लिश और हिंदी में भी लिख के आता है। तो अपन को इधर अपना इंग्लिश लैंग्वेज, कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, ठीक है, इंडिया सिलेक्टेड है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इधर पे आ जाएगा, अगर पुराने आईफोन या उस पर आईपैड से कुछ लाना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो सेटअप मैनुअली कर देंगे, ठीक है। इसमें जाके अपन को कंटिन्यू करना है, इंग्लिश कीबोर्ड ये सब के बाद, और इसके बाद ये मैं एक मिनट कनेक्ट करता हूँ। तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है उसके बाद, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका फ़ोन बूट अप हो जाएगा। तो ये नया फीचर डाला है इस बार डायनेमिक आइलैंड, ये आपको इतना बड़ा कटआउट दिखता है पिल सेप का, लेकिन इसके बीच में इधर पे एक पिक्सल होता है, जैसा पहले रेंडर में इमेजेस आई थी तो वैसा बीच में पिक्सल है, इसलिए इधर टच करो तो टच होता है। एक्चुअली ये दो कटआउट हैं, बट वो इधर पिक्सल्स को ब्लैक करके उसको एक पेल सेप का वो दिखा देते हैं। ये सब कंटिन्यू करना है, फेस आईडी सेटअप लेटर कर देंगे, ये भी पासकोड ऑप्शन, इसको डोंट यूज़ पासकोड कर देंगे, ये बाद में मैं कर लूँगा। और ये अब अपन को इधर से जो मेरा आई क्लाउड से बैकअप स्टोर करना है, तो ये फिर एप्पल ईमेल आईडी वगैरह डाल के आप कर सकते हैं। तो ये था आपका फ़ोन,
ये कैमरा बम्प्स आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं 13 के उसके अकॉर्डिंग। और ये ब्लैक कलर दिखता है बहुत ही, किसी किसी एंगल से पर्पल दिखता है, नहीं तो ब्लैक दिखता है। और इसमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम है, तो इस पर फिंगर्स बहुत जल्दी पकड़ती हैं, तो फिंगर्स के निशान दिखने लगते हैं। तो ये था अपना आईफोन, कैमरा में इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस बहुत बढ़ा दी है इसकी, 2000 निट्स तक जाती है। और ये डायनामिक आइलैंड और A16 चिप है, जो कि 14 में नहीं है, 14 प्रो में। तो ये था अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स।